नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 8 में टाटा कंपनी के द्वारा वेयरहाउस का निर्माण किया जा रहा है। इस वेयरहाउस के निर्माण के साथ वाहनों के आवागमन के लिए विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल के प्रयास से लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे पांदन रस्ते में सीमेंट रोड का निर्माण किया जाना है, जबकि वर्तमान समय में यह पांदन रस्ता सत्ता एवं विपक्ष के निशाने पर आ गया है। पांदन रस्ते का निर्माण सत्रापुर से सिहोरा तथा सिहोरा से खंडाला घटाटे के बीच किया जाना है तथा इस निर्माण कार्य के लिए सैकड़ों पेड़ों को संबंधित कंपनी के द्वारा कटवाया जा चुका है, परंतु कन्हानब के सीओ गिरीश बनोरे तथा सार्वजनिक बांधकाम विभाग के द्वारा इन पेड़ों के कटने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया गया है तथा फॉरेस्ट विभाग से भी इन पेड़ों को काटने की किसी भी तरह की मंजूरी नहीं ली गई है, जबकि पांदन का निर्माण खनिकर्म विकास निधि से किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार लगभग 28 करोड़ की निधि से निर्माण होने वाले इस मार्ग का फायदा मात्र वेयर हाउस को ही मिलने वाला है तथा इसका उपयोग सत्रापुर, कन्हान, सिहोरा या खंडाला गांव को नहीं मिलने वाला है, जिसके कारण कन्हानब के नागरिकों में चर्चा चलने लगी है कि मात्र एक व्यक्ति के लिए 28 करोड़ की निधि खर्च करना कहां तक सही है तथा काटे गए सैकड़ों पेड़ों का असली गुनहगार कौन है। प्रकरण को लेकर कन्हान थानेदार अरुण त्रिपाठी से लेकर सभी जगह प्रकरण की शिकायत की गई, परंतु सभी संबंधित अधिकारी एवं पदाधिकारी मौन मुद्रा में आ चुके हैं, जबकि कन्हान पुलिस ने पेड़ काटने वाले मजदूरों औजार जब्त कर लिए थे, परंतु अपराध दर्ज नहीं किया गया, जो कि थाने की भूमिका को संदिग्ध बनाता है। स्थानिक सीओ ने ज्या पद्धतीने आपला हा विषय जो घेतला होता की शिवरामध्ये जाणारी पांदन आणि शिवरा गावाला जो फायदा होणार आहे, हा म्हणजे एक शिवरा गावाची एक दिशाभूल करण्यात आली आहे। आज म्हणजे खरंच सांगण्याजोगते आहे की इथे ज्या कंपनी आलेली आहे रिटा इंडस्ट्रीज, या रिटा इंडस्ट्रीजला कशा पद्धतीचं आणि कशा पद्धतीचा इथे मोठा रोड काढण्यात येईल या पद्धतीचं काम इथे चालू आहे आणि या या पानांसाठी खनिज निधीमधून माननीय या क्षेत्राचे आमदार आशिषजी जायसवाल यांनी फंडिंग करणार आहे। म्हणजे शिवरा आणि जसं सत्रापूर ते खंडाळा जो पांदन आपण म्हणजे इथून काढणार आहे हा फक्त कंपनीच्याच लोकांना फायदा होईल या म्हणजे अशा प्रकारचा हा रोड आहे। आणि इथे काही दिवसापूर्वी इथे JCP लावून झाडं तोडण्यात आले आणि इथचा जो एरिया तो म्हणजे क्लिअर करून साफ करण्यात आला, पण जेव्हा म्हणजे इथच्या स्थानिक आणि ज्या मालकांनी म्हणजे शेती खंडेला कंपनीची असल्यामुळे त्या कंपनीवाल्यांनी जेव्हा हायकोर्टात पिटिशन जाहीर केली कोणामार्फत करणार आहे, तेव्हा सीओनी सांगितलं की आमचा यामध्ये कसल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नाही, त्यामुळे मग याच्यानंतर तहसीलदाराला दारांनाही विचारण्यात आलं की ह्या जे 70 किंवा 100-200 झाडं जे कापण्यात आले हे कोणाच्या परवानगीने कापण्यात आलं, तेव्हा तिथच्या म्हणजे तिथल्याही लोकांनी कोणीच उत्तर दिलेलं नाही। स्थानिक जे कास्तकार लोक आहे यांनाही या कामामुळे खूप त्रास गेला आणि त्यांनीही आपल्या तर्फे हाय म्हणजे सेशन कोर्टामध्ये कंप्लेंट केलेली आहे, पोलीस स्टेशनलाही तक्रार झाली, पण अजूनही याबद्दल कसल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही। जेव्हा मीटिंगमध्ये आला हा विषय तेव्हाच त्या नगरसेवकांना माहीत झाला, तेव्हा सगळ्या नगरसेवकांनी या विषयाला म्हणजे नाकारल्यासारखं म्हणजे 15 नगरसेवकाकडून ह्या विषयाला विरोध झाला आणि त्यानंतर इथच्या स्थानिक सीओनी आणि नगराध्यक्षांनी हा विषय कलेक्टर साहेबाकडे 308 दाखल करण्यात आली। तिथेही हा विषयाचा म्हणजे विषयाच्याबद्दल चर्चा आणि माहिती घेण्यात आली। खरं म्हणजे एक या विषयाबद्दल बोलायचं म्हणजे लोकांची नगरसेवकाची दिशाभूल तर होतच आहे, त्या तसं विचार केला तर, पण या शिवरा गावाची ही दिशाभूल होत आहे। नगर परिषदेला जी टिप्पणी देण्यात आली होती त्याच्यात कशाही प्रकारचा उल्लेख नव्हता की किती फुटाची ती पांदन आहे आणि कुठून कुठंपर्यंत आहे असा कोणताही उल्लेख नव्हता। सत्रापूर ते खटाटे खंडाळा, पण ये जो पांदन रस्ता आहे ॲक्च्युली जहां से निकलने का था वहां से ना निकलते हुए काली मंदिर से लेकर तो घटाटे खंडाळे तक इसको साफ किया गया, जिसमें कई JCP लगा के हजारों झाड़ों की कत्ल की गई। झाड़ों की कत्ल करने के लिए कोई भी वन विभाग के अधिकारियों से परमिशन नहीं ली गई, ना नगर परिषद के अधिकारियों से परमिशन ली गई। स्वराज्य संस्था एखादा प्रोजेक्ट बनाती है, रोड बनाती, रास्ता बनाती, नाली बनाती, उसके लिए सैंक्शन मैप बनाती है, उसका कितना पैसा लगेगा एस्टिमेट बनाती है, करती है। ऐसा ना होकर यहाँ पे पहले पैसे सैंक्शन हो गए कोई कागज की पूर्तता ना करते हुए और बाद में अब सैंक्शन के लिए नगर परिषद को विषय रखा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और बहुत बड़ा इसमें फ्रॉड होने की शक्यता पूरी तरह से है। सत्रापुर तो घटाटे खंडाला ये जो रास्ता है
इसमें ये मार्ग का लाभ सिवरा में रहने वाले नगरवासियों को नहीं है, ना कनान के नगरवासियों को है। ये एक कंपनी के मालिक को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से ये रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। इसमें स्थानिक जो भी जनप्रतिनिधि है, वो नगर परिषद के जनप्रतिनिधि हो या फिर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, वो स्थानिक रूप से उनको एक पूंजीपति को लाभ देने के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। इससे उनके कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। ये इस रोड की लागत कितनी होगी? इस रोड की लागत 29 करोड़ रुपए की लागत है। कौन सी नीति से बनाया जा रहा है? ये खनिक्रम नीति से बनाया जा रहा है। जो टाटा का वेयरहाउस यहाँ पे बन रहा है, 250 करोड़ की लागत से करीब बन रहा है। हमारी यही मांग है कि यहाँ पे स्थानीय लोगों की रोजगार मिलना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या में थोड़ी सी गिरावट आए। कन्हान नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत टाटा के द्वारा 250 करोड़ की लागत से वेयरहाउस का निर्माण किया जा रहा है। इस वेयरहाउस के निर्माण के साथ ही सत्रापुर सिहोरा खंडाला गांव के पांधन रोड का मामला भी गर्म हो चुका है। लगभग 29 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पांधन रास्ते को लेकर के पक्ष और विपक्ष जहां आमने सामने आ चुके हैं, वहीं इस प्रकरण में कन्हान नगर परिषद सीओ के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करा करके 15 नगर सेवकों के खिलाफ 308 की कलम के तहत गुना दाखिल करवा दिया। इस गुना दाखिल होने के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के द्वारा एवं कंपनी के मालक के द्वारा हाई कोर्ट एवं सेशन कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है। इस प्रकरण में आने वाले समय में मार्ग का निर्माण होगा या नहीं, यह तो समय के गर्भ में है। कैमरामैन विवेक पाटिल के साथ विमल त्रिपाठी, NBCN न्यूज, नागपुर।